हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 2 करेंगे, विच इज यूनिट्स ऑन मेजरमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैप्टर को मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है और आज की इस वीडियो में हम ये 4 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल क्वांटिटीज, सेकेंड इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, थर्ड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड फोर्थ वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। हमने लास्ट चैप्टर यानी के फिजिकल वर्ल्ड में हमने ये डिस्कस किया था कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स, मेजरमेंट, एक्यूरेसी एक्सेट्रा। बट जब बात मेजरमेंट की आती है तो हम हर चीज को मेजर नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एग्जिस्ट तो करती हैं बट उनकी कोई मेजरमेंट नहीं होती, लाइक इमोशंस, फीलिंग्स। इसमें एग्जांपल है सैडनेस है या हैप्पीनेस है, लव, हेट्रेड, ये सारी फीलिंग्स होती हैं। इनके हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं होती। मतलब कि अगर हम बोलते हैं कि हमें कोई पसंद नहीं है या कोई हमें बहुत पसंद है तो हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं लाइक बहुत, थोड़ा, इतना, ऐसे, लेकिन हम कभी भी एग्जैक्ट रेशियो नहीं बता सकते या एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दे सकते कि हमें कोई कितना पसंद है या फिर कितना कम पसंद है, क्योंकि वो बहुत वर्ड या फिर थोड़ा सा या इतना, ये सारे वर्ड्स हमारे लिए कम हो, क्या पता किसी और के लिए इसका मीनिंग बहुत ही ज्यादा हो। तो ये जो क्वांटिटीज होती है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम मेजर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, ब्रेथ या फिर फोर्स है, स्पीड है, ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, एक यूनिट के साथ में इनको नापा जा सकता है। तो इन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज में डिफाइन करते हैं। सो फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज की मैंने आपको दो डेफिनेशन दे रखी है, आप चाहें तो दोनों लिख सकते हैं, चाहे तो एक लिख सकते हैं, मीनिंग सेम ही है। फर्स्ट वन इज फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी इन फिजिक्स दैट कैन बी मेजर्ड, एंड सेकेंड वन इज फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी क्वांटिफाइड। तो अब इसमें फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे रखे हैं, फर्स्ट मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट, इंटेंसिटी, स्पीड, फोर्स, वेलोसिटी एक्सेट्रा। तो ये जितनी भी टर्म्स मैंने आपको यहाँ दे रखी है हम इन सबको मेजर कर सकते हैं। लेंथ भी हमें पता है, टाइम का भी हमने पढ़ा हुआ है, और इन क्वांटिटीज को जब हम मेजर करते हैं तो इनके साथ एक यूनिट आती है। अब जो क्वांटिटीज है उनको मेजर करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू एन यू, हेयर एन इज नंबर, यू इज यूनिट। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि कैसे नंबर और यूनिट साथ में आता है। फॉर एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर, 2 लीटर, 3 सेकेंड, 3 मीटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 के बाद मैंने सेंटीमीटर यूज किया, 10 क्या हो गया एक नंबर एंड सेंटीमीटर यूनिट, सेम 2 एक नंबर हो गया, एल इज यूनिट। तो जो ये यूनिट्स होती हैं उनसे हमारे पास ये हेल्प मिलती है कि हमें पता लग जाता है कि हम एग्जैक्टली किस चीज की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए 10 सेंटीमीटर, तो हमें थोड़ा आइडिया है कि हम यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे लीटर लिखा है तो इट मींस किसी लिक्विड यानी कि फ्लूइड, क्योंकि लीटर्स में हम लिक्विड या फ्लूइड को मेजर करते हैं। सेकेंड्स की बात होती है तो हमें पता चल जाता है कि हम यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं। तो जब हम यूनिट्स के साथ नंबर लिख देते हैं तो उससे हमें एक बहुत बड़ा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो यूनिट्स या वो नंबर हमारे लिए सफिशियंट होता है ये डिफाइन करने के लिए कि हम एग्जैक्टली किस चीज की बात करते हैं। तो यूनिट अपने आप में ही एक मेजरमेंट होती है, सो यूनिट को एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट भी कहा जाता है। सो यूनिट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। तो इसमें कैसे, जैसे कि अगर आपने मीटर लिखा था, मैंने एग्जांपल दिया था 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर या फिर 10 सेंटीमीटर, जब हम कभी भी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर्स इन वर्ड्स को यूज करते हैं तो हियर वी कैन से कि मीटर है, तो इट मींस कि अगर उसके आगे कुछ यूनिट नहीं है तो हम उसको 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये चीज से हमें ये पता चलता है कि अगर सिर्फ हम मीटर वर्ड भी लिखते हैं या फिर एक यूनिट सिर्फ मीटर लिखी जाती है तो उसका मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। इट मींस कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर को कंसिस्ट करता है। तो जो यूनिट्स है, जैसे सपोज मीटर है या किलोमीटर है, यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इनसे। तो दोनों एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि जब हम मीटर की बात कर रहे हैं या किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो उनके अंदर भी उनकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट आती है, तो इसलिए यूनिट को एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट भी बोला जाता है। अब यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट है,
ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट है ये आपका वन मार्कर क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभार ये टू मार्क्स में भी आ जाता है। तो प्रॉपर्टीज में मतलब कि क्या उसके एडवांटेज हैं या फिर किस टाइप से यूनिट्स हमारे पास प्रेजेंट होनी चाहिए। सो सबसे पहले दे शुड नॉट चेंज विद टाइम टेम्परेचर प्लेस और एनी फिजिकल कंडीशन। तो इसमें ये है कि अगर हमने कोई यूनिट बनाई है तो वो टाइम के साथ या टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब कि हर जगह पे सेम रहनी चाहिए। अगर हम दिल्ली में उसकी बात करते हैं तो भी वो सेम रहनी चाहिए, अगर हम मून पर चले जाएं तो भी उसकी यूनिट सेम रहनी चाहिए। उसमें कोई भी चेंजेस टाइम के साथ नहीं आने चाहिए और ना ही टेम्परेचर के साथ, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जो बहुत ठंडी होती है, अगर यूनिट यहाँ पे हमने दिल्ली के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्रिएट करी है और अगर हम कहीं बाहर उसको लेकर जाएं या हमें वहां पे उसकी मेजरमेंट की नीड हो तो वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप बार बार एक चीज को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है दे शुड नॉट चेंज विद टाइम टेम्परेचर प्लेस और एनी फिजिकल कंडीशन। देन सेकंड वन इज दे आर रिप्रोड्यूसेबल। अब इसका एग्जांपल है, अगर आपने कोई यूनिट बना दी है, कोई मास या कोई चीज क्रिएट कर दी है, तो उसको बनाने के लिए जब आपको दोबारा उसकी नीड हो तो वो आपके पास इजीली बन जाए। अब इसका एग्जांपल है जैसे हमारे पास वेट्स होते हैं, हम सिलेंडर के लिए हमारे पास एक अलग से वेइंग मशीन होती है, अगर घर में हमें वेट मेजर करना होता है उसके लिए एक अलग मशीन होती है, या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल, या फिर अगर हमें किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाना है तो वहां पे मेजरमेंट के लिए अलग अलग डिवाइसेस होते हैं। तो ये क्या हो गया कि अगर आपने एक बार किसी डिवाइस को या यूनिट को क्रिएट कर दिया तो जब अगर आपको दोबारा मतलब कि सपोज अगर हमने दिल्ली में या फिर गुजरात में इस चीज को बनाया है और अगर हमें इंडिया की बात करें तो अगर हमें इंडिया में किसी और स्टेट में उसे बनाना पड़े तो वो इजीली बन जाए, क्योंकि अगर सपोज कोई किसी चीज की प्रोडक्शन दिल्ली की है तो दिल्ली वाले कितना बनाएंगे, एक बना बना के इंसान पागल हो जाएगा, इतने सारे पूरे वर्ल्ड में या पूरे एक पर्टिकुलर कंट्री में उसको भेजना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए हमने ये सेकंड पॉइंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रिप्रोड्यूसेबल यानी कि रेप्लिका होनी चाहिए, उसको ईजिली कॉपी करके बनाया जा सके। थर्ड वन इज दे शुड बी ऑफ प्रॉपर साइज। अब यहाँ पे जो है कि प्रॉपर साइज होना चाहिए, इसका एग्जाम्पल है अगर हम फ्रूट्स या वेजिटेबल लेते हैं तो हमने उनके पास देखा होता है कि वेट मेजरमेंट के लिए उनके पास बार्स अवेलेबल होते हैं, या फिर जब आप आटा या चीनी ऐसी चीजें लेने जाते हैं तो वहां पे भी आपने देखा होता है कि बार्स अवेलेबल होते हैं, उन पे वेट लिखा होता है ग्राम्स में एंड केजी में। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो उनका साइज हम ज्यादा छोटा भी नहीं बना सकते और ज्यादा बड़ा भी नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते कि वो उठे ही ना हमसे, और ऐसा भी नहीं कि वो इतना छोटा हो जाए कि आपको उसकी एग्जिस्टेंस का ही पता ना चले। तो उनका जो साइज है प्रॉपर साइज होना चाहिए, ये हमारी डेली बेसिस की नीड के बिहाफ पे बनाया जाता है कि इसका साइज कितना होना चाहिए या इसको किस प्लेस पे हम कैरी कर सकते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं यूनिट्स की। हमारे पास जो क्वेश्चन आता है सीबीएसई में वो ये है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। तो इसमें आपके पास सिग्निफिकेंस क्या होती है, तो आपने इनको मिक्स करके इन तीनों प्रॉपर्टीज को भी लिख सकते हैं सेपरेट सेपरेट, या फिर आप ओवरऑल वन आंसर ये दे सकते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसेबल इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो जो यूनिट्स हैं जब हम पढ़ रहे हैं आगे के चैप्टर को जब हम कंटिन्यू करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो यूनिट्स हैं वो हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहती हैं। अगर हम यहाँ पे इंडिया में एक चीज को पढ़ते हैं तो वही सेम यूनिट के साथ हम अदर कंट्रीज में भी उसको पढ़ेंगे। अब जब हमने फिजिकल क्वांटिटीज की बात करी तो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, अब वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल एंड सेकेंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। जिस तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटीज को डिफाइन किया या डिवाइड करा हमने, उसी तरीके से इनकी यूनिट्स भी होती हैं, क्योंकि जब जब क्वांटिटीज की बात आएगी तो हमारे पास यूनिट्स भी आएंगे। तो सेम फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स। सबसे पहला हमारा टॉपिक है फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम एक्सप्रेस करने के लिए किसी और क्वांटिटी की या यूनिट की नीड नहीं होती, वो अपने आप में ही कंप्लीट होती हैं, वो किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं करती।
और या फिर कह सकते हैं कि उनको मेजर करने के लिए हम किसी और चीज को नहीं ले सकते या हमारे पास कोई और वे नहीं होता फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, तो वो क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी चीज की लेंथ मेजर करनी है, मास बताना है या टाइम बताना है, तो आपके पास एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी है, मास, लेंथ, लेंथ मीटर में हो गया, टाइम सेकेंड में, आर्ट्स में, जो भी हम कन्वर्ट करते हैं। लेकिन हम जब फिजिक्स में हम इनको पढ़ते हैं तो हम स्मॉलेस्ट यूनिट में काउंट करते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज में डिवाइड करेंगे, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हम किसी और चीज को यूज नहीं कर सकते। अगर हमें इस पेन की लेंथ को बताना है तो हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मेजर करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। अब सेकेंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज की जब हम बात करते हैं तो इनकी मेजरमेंट अपने आप में सिंगल वे में पॉसिबल नहीं है। इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें एक और या दो क्वांटिटीज की नीड होती है, जो कि हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही मिलती है। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। डिराइव्ड क्वांटिटीज में मैंने आपको यहाँ पे तीन डेफिनेशंस दे सकते हैं, आपको जो इजी लगे आप वो लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज दैट आर कैलकुलेटेड फ्रॉम टू और मोर मेजरमेंट्स। सेकेंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली। एंड थर्ड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड बेस्ड ऑन सेवन बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स। अब यहाँ पे ये सेवन बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो वर्ड मैंने आपको लिखा हुआ है, इसको भी अभी हम डिफाइन करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करूंगी मैं ये कैसे होती हैं। बट अभी हमारा जो टॉपिक है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, तो उसमें ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब हम डिराइव क्वांटिटीज की बात करते हैं तो उसमें एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखे हैं, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, स्पीड एक्सेट्रा। तो ये वो क्वांटिटीज हैं, इनके नाम से ही पता चलता है कि ये अपने आप में ही एक पूरा वर्ड कंप्लीट करती हैं। अब इनकी मेजरमेंट आप सिंगल वे में नहीं कर सकते। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो हम एरिया को सिर्फ लेंथ या हाइट से बता नहीं सकते, तो हमें और भी चीजें चाहिए होती हैं। वॉल्यूम की में भी सेम होता है, फोर्स में भी ऐसे ही, एंड स्पीड में भी। तो ये क्वांटिटीज अपने आप में कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं जब तक हम इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज नहीं कर सकते। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्पीड हमने 9th और 10th में पढ़ा होता है, ये एक न्यूमेरिकल वे में भी देखा होगा आपने, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जब स्पीड की बात करेंगे, अगर हमें किसी चीज की स्पीड निकालनी है तो हमें डिस्टेंस अपॉन में टाइम ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर सकते। और जब हम इस फॉर्मूले से, या फिर हमारे पास स्पीड गिवन होती है, सपोज 40 मीटर पर सेकेंड, या फिर किसी भी 20, 10 या जितने भी नंबर्स हो, तो हर नंबर के पीछे एक यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अब इस मीटर पर सेकेंड में देखिए, मीटर यानी कि हम लेंथ की बात करते हैं, क्योंकि लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, तो मीटर मीन्स लेंथ। और जब सेकेंड की बात करी तो हमने टाइम की बात करी है। तो जो लेंथ और टाइम है, ये दोनों आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज में देखी होगी, तो इसलिए डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की नीड होती है। सेम मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ये चीज बताई थी, फंडामेंटल फोर्सेस एंड डिराइव्ड फोर्सेस, उसमें भी हमने यही चीज पढ़ी थी कि फंडामेंटल फोर्सेस 4 होते हैं और जो डिराइव्ड फोर्सेस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन निकलते वो फंडामेंटल फोर्सेस से ही हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर करने वाले हैं, विच इज SI सिस्टम, SI यूनिट और सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या यूनिट्स हम कहाँ से आई हमारे पास या कैसे हमने इसको डिफाइन किया। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। एंड वन मोर थिंग, आपने इस वीडियो में जितना भी कुछ पढ़ा है उस पूरी वीडियो के नोट्स आपको नीचे PDF में मिल जाएंगे।